मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राम राम कली भजन चोला। रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्वन वासी है। मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्वनिवासी है। अस्थि भाति अर प्रिय रूप से, आत्म सब घटवासी है। नाम रूप जग जीव ईश की, कलना सब ही नाशी है। रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्व साक्षी सर्व। दूध ग्रंथ जो सबके अंदर, व्यापक सो अविनाशी है। पूरन एक विभू वस्तु वह, वेदांतन को भासी है। मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्व साक्षी सर्व। ब्रह्म अखंड अद्वैत अनामय, सतचित आनंद राशि है। कहते हूँ सो प्रत्यक्ष जानो, साखी स्वयं प्रकाशी है। मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्व निवासी है। रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्व साक्षी। राग राम कली भजन चौदवा। रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्वनिवासी है। गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि हे मेरे मन, ज्ञान रूपी नेत्रों से देखो। ये चरम चक्षु, इनसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। डिठो सब विसार, अणडिठे के याद कर। जो चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई पड़ता, वो ज्ञान रूपी चक्षुओं से दिखाई पड़ता है। पर ब्रह्म परमात्मा जो सब में समाया हुआ है, सब में रम रहा है, उसको ज्ञान के नेत्रों के द्वारा देखो। अस्थि भाति और प्रिय रूप से, आत्म सब घट वासी है। प्रत्येक घट में उस आत्मा का प्रकाश है, उसी के प्रकाश से ये शरीर कार्य करता है, क्रिया करता है। अस्थि भाति प्रिय भासता है, अस्तित्व उसका दिखाई पड़ता है और प्रिय माना प्यारा लगता है। जब तक उस आत्म स्वरूप का निवास है, तभी तक शरीर प्यारा लगता है। नाम रूप जग जीव ईश की, कल ना सब ही नाशी है। जितने भी नाम है वो सब नाशवान है, जितने भी रूप बाहरी दिखाई पड़ते हैं वो भी नाशवान है। केवल एक परब्रह्म परमात्मा है और दूसरा कुछ भी नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म,
नेह नानास्ति किंचन, बाकी जितनी भी उपाधियां हैं जीव की ईश्वर की वो सब मानी गई उपाधियां हैं। केवल एक ब्रह्म, उसी का सर्व व्यापकता सब में वो व्यापक है। दूध घृत जो सबके अंतर व्यापक सो अविनाशी है। जिसी प्रकार से दूध के कण कण में घृत समाया हुआ है और बिना प्रयत्न के वो प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार से सृष्टि के प्रत्येक कण कण में वो परब्रह्म परमात्मा व्यापक है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। पूर्ण एक विभु वस्तु वह वेदांत इनको भासी है। वेदांत का अध्ययन करने वाले वेदांती यही उपदेश देते हैं कि वो पूर्ण है, विभु व्यापक है और उसी का सब जगह पे प्रकाश फैल रहा है। ब्रह्म अखंड अद्वैत अनामय सत चित आनंद राशि है। वो परब्रह्म अखंड है, उसके खंड नहीं किए जा सकते। द्वैत से दूर है, मल से दूर है और चेतन चिद स्वरूप सत्य और आनंद स्वरूप है। कहे टेहूं सो प्रत्यक्ष जानो, साक्षी स्वयं प्रकाशी है। वो प्रत्यक्ष घट घट में व्यापक कण कण में विराजमान है, अपने ही प्रकाश से वो प्रकाशित है, उसे बाहरी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसको जानने का उपदेश, समझने का उपदेश गुरु महाराज जी इस मधुर भजन में दे रहे हैं। वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनुभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लाओ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।